नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवानिया महाराज। यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, समय आपको बता दें। सबसे पहले हम यहाँ का समय क्या हो रहा है जो आप देख लीजिए, हमारे कैमरे में आप समय देखेंगे। यहाँ पर 10:48 हो चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ के अस्पताल के दो डॉक्टर यहाँ पदस्थ किए गए हैं। क्या दोनों डॉक्टर यहाँ उपस्थित है कि नहीं, इस बात को लेकर बात करेंगे। मैडम, डॉक्टर साहब आ गए क्या आपके यहाँ पे? दिखें जाएंगे अभी। कहते डॉक्टर पदस्थ आपके यहाँ पे? दो डॉक्टर है, एक तो डॉक्टर नमन देवपुरा जी, वो भी निमन चल जाएंगे, उनके रिजाइन पे चल रहा है। मतलब अभी फिलहाल अस्पताल में दोनों में से कोई डॉक्टर उपस्थित है या नहीं है? अभी कोई भी उपस्थित? क्या समय क्या हो गया सर आपके यहाँ? 10:50 मतलब 11:10 के दे रहे हैं। अभी डॉक्टर कोई भी नहीं आया? संदीप सर भी नहीं आए? जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, यहाँ की लापरवाही की तस्वीरें पहले भी आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पे स्टाफ जरूर समय पे आ जाता है, लेकिन यहाँ सकलेचा जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बेहतर चिकित्सा व्यवस्था बनाने के लिए दो दो डॉक्टर दिए, जिसमें डॉक्टर नमन देवपुरा और साथ ही डॉक्टर संदीप शर्मा। लेकिन तस्वीरें ऐसी है कि यहाँ तो सन्नाटा पसरा है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर संदीप शर्मा है, वो आराम से सेवाएं देते हैं। और यहाँ मरीज जो आते हैं उन्हें भी ऐसा बताया जाता है, पहले भी कुछ मरीजों के फ़ोन आए थे, उनको वहाँ भेजा जाता है। ऐसे में सरकार जो बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने का जो दावा कर रही हैं, उनको हम, आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा दे। स्टाफ खुद कह रहा है कि एक वहाँ गया, एक का वो कारण है, लेकिन अस्पताल पूरा ही राम भरोसे चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जो कंपाउंडर है वो यहाँ पर हैं, लेकिन डॉक्टर अपनी जवाबदारी किस तरीके से निभा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको आज हम लाइव दिखा रहे हैं। पहले भी कई बार हमने दिखाई कि किस प्रकार से यहाँ डॉक्टर हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और प्राइवेट क्लिनिक यहाँ से मुश्किल से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर संदीप शर्मा का प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ जाओगे डॉक्टर मिलेंगे आपको। और इस तरीके से अगर सकलेचा एक तरफ स्वास्थ्य के प्रति लोगों को अवेयरनेस करने के लिए डॉक्टर ला रहे हैं और कई व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रहे हैं, कई रुपए खर्च कर रहे हैं, चिकित्सा शिविर का आयोजन करा के उन्हें बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरी तरफ कई जिले में ऐसे जो अस्पताल है जहां पर डॉक्टर है ही नहीं, वो राम भरोसे चल रहे हैं, और यहां दो दो डॉक्टर मिले हैं। ओम प्रकाश सकलेचा विधायक जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके प्रयासों से दो डॉक्टर मिले हैं। लेकिन दुर्भाग्य सरवानिया का कि यहां एक भी डॉक्टर चिकित्सा के समय में, 9 बजे का समय है, यहां के जो BMO राजेश मीणा, ऐसा लगता है शायद उनकी भी इनके साथ मिली भगत दिखाई दे रही है। उनको भी 3 बार अवगत करा चुका मामले में, लेकिन उनका कहना हमें बात करता हूं, जो भी नोटिस देके बात करूंगा और जानकारी लूंगा। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने इस चिकित्सा विभाग की बड़ी पोल खोलती दिखाई दे रही है। आखिर जिम्मेदार क्यों कार्रवाई ऐसे डॉक्टरों पर नहीं करते हैं? क्यों समय पर इन्हें तनख्वाहें तो मोटी मोटी ली जाती हैं, लेकिन सरवानिया महाराज आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर डॉक्टर एक भी उपस्थित नहीं है, चिकित्सा स्टाफ यहां मौजूद हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि एक तरफ तो चिकित्सा के बड़े बड़े ओम प्रकाश सकलेचा दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको खुद दिखा रही हैं। 11 बजने को आए हैं, लेकिन 9 बजे का समय है, 2 घंटे बाद। ये तस्वीरें पहली नहीं, इससे पहले भी कई बार तस्वीरें दिखा चुके हैं। 9 बजे से लगाकर 4 बजे तक दोनों डॉक्टरों को यहाँ बैठना होता है, लेकिन कोई भी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी डॉक्टर दिखाई नहीं देगा। हालांकि देखना ही होगा, जिला कलेक्टर से लगाकर CMHO जो है वो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, टीकाकरण को पूरा कराने का अभियान के लिए कड़ी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर हैं इन व्यवस्था में बदलाव होगा क्या? ये जो डॉक्टर लापरवाह हैं, जो इन पर लगाम कसी जाएगी और ये समय पर चिकित्सा जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा और यहाँ पर सेवाएं देंगे, या फिर ऐसे ही राम भरोसे चलता रहेगा और जो BMO है हमारे राजेश मीणा, वो भी इन लापरवाही पर पर्दा डालते रहेंगे। प्रदेश हलचल के लिए महेश जैन।